आगरा के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक चौधरी उदयभान का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विधायक एक महिला एसडीएम गरिमा सिंह को खूब खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। नाराज विधायक एसडीएम पर अपनी ताकत और सत्ता का रौब झाड़ते दिखाई दिए। मेरी ताकत का एहसास नहीं है, लोकतंत्र के ताकत का एहसास नहीं है। पीछे हो जाओ थोड़ा। ये है आगरा के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक चौधरी उदयभान, जो एक महिला अफसर को सरेआम अपनी ताकत का एहसास कराते दिखे। यूं कहें कि वो सीधे सीधे धमकी देते नजर आए। किरावली की एसडीएम गरिमा सिंह को विधायक ने लोगों के बीच खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी विधायक चौधरी उदयभान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पास में लोगों की भीड़ थी और विधायक जी एसडीएम पर बरसे जा रहे थे। सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि वो ये नहीं देखता कि सामने पुरुष है या महिला। आपको मालूम नहीं मैं विधायक हूँ? आप मेरे से बात करेंगे? विधायक लगातार एसडीएम को डांट फटकार लगाते रहे, वहीं एसडीएम चुपचाप खरी खोटी सुनती रही। पूरा मामला किसानों के चेक वितरण का है। चेक वितरण को लेकर कुछ किसान तहसील किरावली पर धरना दे रहे थे। इस धरने में बीजेपी के विधायक चौधरी उदयभान भी पहुंचे। सत्ता के नशे में चूर चौधरी उदयभान ने महिला एसडीएम गरिमा सिंह को काफी भरा बुरा कहा। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक चौधरी उदयभान अपनी बात पर अड़ी हैं। वहीं महिला एसडीएम गरिमा सिंह दहशत के साए में है। एसडीएम गरिमा सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधायक की ओर से अपने साथ अशोभनीय भाषा के प्रयोग किए जाने की बात कही है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी नेताओं के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को हड़काते हुए वीडियो वायरल हुए हैं। आपको मालूम नहीं मैं विधायक हूँ? आप मेरे से बात करेंगे? टीम न्यूज़ नेशन। और इस मामले में क्या कुछ कहा विधायक ने सफाई में, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं नहीं समझता वो कोई खास बात है। लोकतंत्र में जनता की हिमायत लेना, जनता की वकालत करना और जनता की बात प्रशासन के माध्यम से शासन तक पहुंचाना और प्रशासन से जनता की माकूल समस्याओं का समाधान करना, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। उसी हिस्से में कल का वृतांत है। किसान कल मेरे कार्यालय में, तहसील नहीं, मेरे कार्यालय में जो तहसील के बिल्कुल सामने है, वहां इकट्ठे हुए और यह दर्द किसानों को लगभग दो चार पांच महीने से सता रहा था कि ओलावृष्टि को हुए पांच छह महीने हो गए, अभी तक हमको हमारा मुआवजा नहीं मिला, जबकि तहसील में मुआवजा आ गया।